दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली, जहां आसिफ अली की आतिशी पारी के बदौलत पाकिस्तान ने बाजी मारते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। दोस्तों, पाकिस्तान की जीत के हीरो आसिफ अली ने मैच के बाद कुछ ऐसा कह दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। दोस्तों, आसिफ ने जीत का क्रेडिट अपने एक आइडियल खिलाड़ी को देते हुए एक बड़ा बयान दे डाला है। तो दोस्तों, आसिफ अली ने क्या कहा है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या इस बार का T20 वर्ल्ड कप फाइनल भारत पाकिस्तान के बीच होने जा रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अपने पिछले मुकाबले को जीतकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेलने उतरी और दोनों टीमों के बीच एक धमाकेदार मुकाबला खेला गया, जहां दोस्तों स्कॉटलैंड के ऊपर एक बड़ी जीत दर्ज करने के बाद अफगानिस्तान की टीम ने इस मुकाबले में भी लय में चल रही पाकिस्तान को कड़ी टक्कर दी, किन अंत में आसिफ अली की आतिशी बल्लेबाजी के कारण 148 रनों के लक्ष्य को डिफेंड करने में नाकाम रही और पाकिस्तान की टीम ने बाजी मारते हुए मुकाबला एक ओवर पहले ही 5 विकेट से जीत लिया और टूर्नामेंट में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज कर ली है। दोस्तों, 148 रन का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम के लिए एक समय मुकाबला फंस चुका था, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को 2 ओवर में 25 रनों की जरूरत थी और उनके 5 विकेट भी गिर चुके थे। दोस्तों, 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नवीन उल हक ने एक्सपीरियंस्ड शोएब मलिक का विकेट निकाल पाकिस्तान के टीम पर दबाव बना दिया था और यहां से मैच जीतने के लिए एक करिश्माई प्रदर्शन की जरूरत थी। और दोस्तों, यहीं पर आसिफ अली ने एक ही ओवर में पूरा खेल बदल के रख दिया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए करीम जन्नत के एक ही ओवर में 4 गगनचुंबी छक्के जड़कर आसिफ ने मैच एक ही ओवर पहले ही पाकिस्तान की झोली में डाल दिया। उन्होंने जन्नत की पहली गेंद पर छक्का जड़ा, फिर दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं बना, फिर तीसरी गेंद को हवाई यात्रा पर भेजा, चौथी फिर डॉट रही और फिर पांचवी और छठवीं गेंद पर 2 लगातार छक्के जड़कर स्टाइल से मैच खत्म कर दिया और पाकिस्तान जीत के साथ सेमीफाइनल के और करीब पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आसिफ की हीरोइक पारी के बाद उनसे जब उनके शानदार प्रदर्शन पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसका पूरा क्रेडिट टीम इंडिया के मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी को देकर सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, आसिफ ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान और भारत के मुकाबले के बाद धोनी ने उन्हें काफी अहम टिप्स दिए थे जो इस मुकाबले में उनके काम। धोनी पाकिस्तान के साथ खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की युवा टीम को अपना अनुभव साझा किया था। इस दौरान पाकिस्तान के आसिफ अली भी मौजूद थे और उन्होंने धोनी के दिए गए टिप्स पर काफी गंभीरता से काम किया है। इसका नतीजा सबको पहले न्यूजीलैंड और अब अफगानिस्तान के खिलाफ देखने को मिल गया है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या धोनी के मार्गदर्शन में टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी या फिर नहीं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को।